नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अग्री उमा में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको धान की एक ऐसी किस्म के बारे में बताएंगे जो सबसे ज़्यादा अधिक पैदावार देने वाली धान की वैरायटी है। किसान कई सालों से इसे लगाते हुए आ रहे हैं। इस वैरायटी के बारे में A to Z जानकारी देंगे। यदि आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको सही और अच्छी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो हमारी वैरायटी है, इसका नाम है स्वर्णा MTU 7029। यह एक पुरानी देसी धान है। इसका दाना मध्यम मोटा होता है। कई सालों से किसानों की यह पसंद बनी हुई है, क्योंकि यह वैरायटी बहुत ही ज़्यादा अधिक उत्पादन देती है, जिससे किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाते हैं। किसान भाइयों, यह काफ़ी लंबी अवधि यानी 150 से 160 दिनों में पूरी तरह पककर तैयार होने वाली धान की प्रजाति है। इसकी रोपाई उसी खेत में की जाती है जहां पानी लंबे समय तक भरा रहता है। जल भराव या बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिए भी यह वैरायटी बहुत बढ़िया है। इसके पौधों में पानी सहने की क्षमता किसान भाइयों अन्य धानों की अपेक्षा अधिक होती है। किसान भाइयों, इसके पौधों की ऊंचाई लगभग 100 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर तक होती है। पौधे मध्य होते हैं, इसलिए इसे नाटी मंसूरी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी की खेती जल भराव वाले क्षेत्र में ही नहीं की जाती, बल्कि जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। पौधों में कल्लों की संख्या 15 से 20 तक आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तना काफ़ी मजबूत होता है, जिससे फसल पकने पर तेज हवा अधिक वर्षा से पौधे गिरते नहीं हैं। बालियां लंबी और गुच्छेदार होती हैं। बालियों में दानों का भराव नीचे से ऊपर की ओर अच्छी तरह से होता है। दाने हल्के भूरे रंग के मध्य मोटा चमकदार और वजनदार होते हैं। वजनदार दानों की वजह से 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन बहुत ही आसानी से इससे मिल जाता है। ज़्यादा देखभाल करने और अच्छी फसल लगने पर इस वैरायटी से किसान भाइयों 30 से 35 क्विंटल का भी उत्पादन आपको आसानी से मिल जाता है। दाने मध्य मोटा होने के कारण इसकी बिक्री किसान भाइयों मोटे धान में ही होती है। एक एकड़ खेत की रोपाई के लिए किसान भाइयों आपको 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसकी नर्सरी 15 मई के बाद से लेकर 25 जून तक डाल सकते हैं। रोपाई करते समय एक जगह पर 2 से 3 पौधों की रोपाई की जाती है। खेत में ज़्यादा पानी होने पर पौधों की संख्या 3 से 5 की जा सकती है। किसान भाइयों, स्वर्णा MTU 7029 मध्य मोटे धान की एक नामी देसी किस्म है। रोग के प्रति बहुत ही ज़्यादा यह सहनशील होती है। इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है। इस वैरायटी को अलग अलग क्षेत्रों में लगाया जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान इत्यादि राज्यों के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है। यदि आप भी किसान भाइयों इन राज्यों में रहते हैं तो इस वैरायटी को जरूर एक बार लगाकर देखें। धन्यवाद।